बस्म्स नाजरीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान कहानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अहराम मिस्र के बारे में इस वीडियो में हम अहराम मिस्र के बारे में कुछ ऐसे हक़ आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर जिनको देख कर आप परेशान हो जाएंगे अहराम मिस्र को दुनिया का सातवां अजूबा कहा जाता है और अहराम मिस्र इंसान की बनाई हुई अजीम तमीरत का ऐसा लाजवाल नमूना है जो अपने देखने वालों को उनकी अजीम हुनरमंदों की याद दिलाता है जो शायद पुरस्ार क़तों के मालिक नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने मिस्र के रेगिस्तान में कारीगरी का ऐसा नमूना पेश किया जिसकी तमीर साख्त और तरतीब पर आज दुनिया भी हैरान है माहरी ने आषार कदीमा के मुताबिक मिस्र में अब तक कुल एक सौ अठतीस अहराम दरियाफ्त किए गए हैं जिन्हें अंदाजन दो हज़ार छः सौ तीस कबल अजमसी पुराना बताया जाता है अलबत् कहरा से बाहर गज़ा के मुकाम मौजूदा तीन अहरामों खौो खाफरा और मेनकावर का शुमार दुनिया के कदीम अजायबात में होता है जिनमें सबसे बड़ा अहराम खौफों या बादशाह च्यूपिस का है यह अहराम एक सौ उनतालीस मीटर ऊँचा है और इसकी तमीर में पत्थर के बीस लाख से जायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें से हर एक का वजन कई टन है तरीकदानों का कहना है कि इन कदीम मखरूती मीनारों को फ़राना मिस्र ने अपने मकबरों के लिए तमीर कराया था इसलिए हर फिरौन कहलाने वाले सलातीन ने अपनी मम्मी को महफूज रखने के लिए अलहदा एहराम तमीर करवाए कहा जाता है कि ये अहराम मिस्रियों के उस अकीदे के नतीजे में वजूद में आए कि अगर मरने के बाद मरने वाले का जिसम महफूज़ रहे तो वह दूसरी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाता है इसीलिए इन एहराम की दीवारों पर सलातिन मे आख़रत के, के सफ़र में आसानी और दर्जात की बुलंदी के नज़रिए से तवीर नक्श की गई हैं इन एहरामों की तमीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की ईंटें नाकबिल यकीन हद हाँ तक वज़नी और बड़ी हैं एहराम मिस्र की बुनियाद अगरचे मुरबा शक्ल में है लेकिन इनके पहलू तकून हैं और ये तकून ने ऊंचाई पर पहुँच कर एक नुकते पर मिल जाती हैं ख्याल किया जाता है कि एहराम मिस्र की तमीर के लिए लाखों मज़दूरों से काम लिया गया था ताहम ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं जिनके नतीजे में ये यकीन से कहा जा सके के एहराम मिस्र की तमीर में मजदूरों की बड़ी तादाद को शामिल किया गया था सदियों से माहरी इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में मसरूफ हैं कि मिस्री हुनरमंदों ने दो आशारे पाँच टन तक वज़नी पत्थरों को एहराम मिस्र के तमीराती हिस्से तक पहुँचाने के लिए आखिर कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया होगा हाल ही में साइंसदानों की एक टीम ने ऐलान किया कि उन्होंने एहराम मिस्र की तमीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक मुमकिन तरीके का सुराग लगा लिया है जिसका जवाब बहुत आसान है यानी गीली रेत माहन ने कहा कि हिराम मिस्र की तमीर के लिए कदीम मिस्रियों को रेगिस्तान में बारी पत्थर और बड़े मुजस्मों की नकलो हरकत करनी पड़ी होगी इसीलिए उन्होंने भी इस तरीके की नकल करने की कोशिश की कि किस तरह लकड़ी के छकड़े पर वज़नी ईंटें रखने के बाद उसे रेत पर खींचा जा सके ये भी हकीकत सामने आई कि मिस्री हुनरमंद शायद छकड़े के आगे आगे सहरा की रेत को गीला करते जाते थे जिससे गीली रेत पर वजनी छगड़ा खींचना आसान होता था क्योंकि इस तरीके से ये गीली ज़मीन पर बहुत आसानी से फिसलता था दुनिया के सात मशहूर और कदीम अजायबात में अहराम मिस्र एक अहम और कदीम तरीन अजूबा है जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी आज तक, तक तकरीबन सही सलामत मौजूद है इन एहरामों की तमीर और इन में इस्तेमाल किए गए सामान पेमाइश की दुरुस्तगी इन अमारतों की अज़मत और कारीगरी और इससे मुतलक दूसरे राजों ने साइंसदानों और माहरीन को हैरान कर रखा है जो सदियों से इन पर गौर फिक्र कर रहे हैं शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुररार और ताज्जुब खेज़ कोई अमारत ना होगी जो एक वीरान मैदान में खड़ी पूरी दुनिया के साइंसदानों और अहले इलम को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही है एहराम मिस्र की तमीर में इस कदर साइंसी राज पेशीदा है कि सुनने वाले और देखने वाले हैरान रह जाते हैं इसमें जो पत्थर एहराम की तमीर में लगाए गए हैं उनका वज़न दो से पंद्रह टन तक है इसके अलावा एहराम में तकरीबन तीस लाख पत्थर लगाए गए हैं फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वज़न सत्तर टन है यानी सत्तर हज़ार किलोग्राम और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर लगाया अहराम की बुलंदी एक सौ उनचास अशारिया चार मीटर है और आपको तजुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान एक सौ उनचास चार मिलियन किलोमीटर का फासला ही है अहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सगे तारा की जानब इशारा करता है जिसका जिक्र सूरा नजम आयत उनचास में कुरान मजीद में मौजूद है अगर आप गोश्त का ताज़ा खून आलू टुकड़ा अहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश हो जाएगा ये राज आज तक राज ही है अहराम के सरकम फहरस को अगर उसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये तीन शारिया चौदह के बराबर है जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है यानी अगर किसी दायरे के मुहीत को उसके कतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है ये एक नकबले यकीन करिश्मा है रात के वक्त अहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है जिस तरह बास घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि उसकी सुइयों नंबरों पर ताबकार दत रेडियम के रंग की पॉलिश होती है तीनों तीनोंहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों के पैरेलल है दस साल में एक दिन सूरज की शुआ अहराम के अंदर दाखिल होती हैं ये दिन फिरौन का योम पैदाइश होता है एहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलू नहीं होती हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ पर मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस रास को नहीं समझ सके जबकि हिराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये रास हल नहीं कर सके तजुब की बात यह है कि तीनोंरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकेानूस में वाक़ बरमूदा ट्राईंगल और काहल में वाक़ फार्मोसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है ये दोनों जगह अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं बड़े अराम में तीन कमरे हैं दो ज़मीन से ऊपर हैं और एक ज़मीन के अंदर है और कहा जाता है कि मीराबो नामी शख्स माहर इंजीनियर ने ये अहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और एक लाख मज़दूरों ने इसकी तमीर में जान खोई थी जो दायरा यानी ऑर्बिट अहराम को दो हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरआजमों और समुद्रों को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है उनका रकबा एक दूसरे से बराबर है अगर ब्लेड्स वहाँ पर रख दिए जाएँ तो वह नहाय तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं साइंसदान ये राज भी आज तक हल नहीं कर सके साइंसदान कहते हैं जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर है एक अमरीकी प्रोफेसर ने यह तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज उस बात के शाहिद हैं ये किसी बिरोनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है ज़मीनी मखलूक इतनी अक्लो फहम नहीं रखती थी या रख सकती है कि हज़ारों साल कबल इस तरह के अजूबात बना दिए जाएँ इस सारी सूरत हाल में मौजूदा असाब इकतदार के लिए एक मशहूर चीनी फलसफा नगार का एक कौल है कि जब बोनों के साय बड़े होने लगें तो समझ लो कि सूरज गुरूब होने वाला है अहराम मिस्र अब भी माहरीन आसार कदीमा को परेशान करता है अभी भी अहराम मिस्र और उसके तमीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहरीन आसार कदीमा नहीं जानते मिसाल के तौर पर इन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहरीन अभी भी बहस करते हैं कि वो तो किस तरह तमीर किए गए थे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पाकिस्तान कहानी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए